क्या नाम है आपका? गायत्री पांडे। गायत्री जी, आज कौन सा पर्व है, कौन सा दिन है आज? साल का पहला दिन है जिसमें कि 2022 की शुरुआत हो रही है, और यही उम्मीद के साथ माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने हम लोग आए हैं कि साल की शुरुआत अच्छी हो, पिछले सालों की तरह ना हो, जिससे कि जो पिछले साल घटनाएं घटी वो सब इस साल में ना हो, यही उम्मीद। हाँ, दर्शन कैसा लगा? दर्शन बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार सिंह। आशीष जी, कहाँ से आए हैं, आज कौन सा पर्व है? आज तो झारखंड से आ रहा हूँ, विंध्याचल माँ का दर्शन करने आया हूँ, और आज नया साल है, माँ से आशीर्वाद लेने, कृपा बनाए रखे हम सब पे, यही मांगने आया हूँ। कैसा लग रहा है विंध्याचल आकर? भीड़ भी होगा? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। सुबह गंगा स्नान करके सीधा माँ के चरण पे आया, और सबकी मनोकामना पूरा करे यही मेरा मानना है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा पंडित सुनील कुमार दुबे। पंडित जी, बताइए कि आज कौन सा पर्व है और काफी भीड़ भी है यहाँ पे? आज 1 जनवरी 2022 लगा हुआ है, और माता के दरबार में अनेकों जगहों से लाखों श्रद्धालु आकर माता का दर्शन कर रहे हैं, और मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो जिसकी कामना कर रहे हैं माता उनको पूर्ण करती है, इसीलिए सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं। हमारा नव वर्ष मंगलमय हो, इसीलिए माता सब श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। सर, ये बताएं, विंध्याचल में मंदिर पर एक संदिग्ध पकड़ा गया, क्या है पूरा मामला? देखिए, कि आज सुबह जो है एक मुमताज नाम का व्यक्ति जो है बिहार बक्सर से आया था, चौसा का रहने वाला है, और पकड़ा क्या गया है, बल्कि कुछ संदिग्ध बताया गया था, और जहाँ के वहाँ के लोकल लोगों ने कुछ संदिग्ध उसको फोटो खींचते हुए देखा था, तो उन्होंने अवगत कराया था, उसी के आधार पर जो है उसको थाने पर लाया गया है और पूछताछ की जा रही है, और IB और जो भी LIU का सेक्शन होता है हमारा, इंटेलिजेंस का, SIU वगैरह, सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि कोई भी आशंका शंका जो भी हो उसको स्पष्ट रूप से जानकारी की जा सके, और वहाँ के स्थानीय लोगों जो बक्सर और बिहार पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है, साथ ही साथ जहाँ पर वो रुके थे वहाँ के, चूँकि और 7 लड़के आए थे, 7 लड़कों में 6 लड़के जो हैं हिंदू वर्ग के हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात में फिलहाल प्रथम दृष्टया भी नज़र नहीं आ रही है, फिर भी पूरी स्पष्ट जानकारी के लिए गंभीर पूछताछ और गहराई से पूछताछ की जा रही है।